नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसीर। बिहार में आज अमित शाह का दौरा हो रहा है। उन्होंने मंच से लालू परिवार और नीतीश कुमार पर बड़ा हमला तो किया ही है। इधर तेजस्वी यादव ने अमित शाह पर पलटवार किया है और कहा है कि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, अगर नया कुछ है तो बताइए। वो किस मकसद से बिहार आए हैं, सबको पता है कि वो किस मकसद को लेकर के बिहार आए हैं। तो तेजस्वी यादव का कहीं ना कहीं सारों ही सारों में अमित शाह पर हमला है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनका मकसद क्या है, वो किस वजह से बिहार आए हैं सब लोग जानते हैं। तो कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण का आरोप तेजस्वी यादव अमित शाह पर लगा रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव। कोई भी नई बात अगर कही है तो उस पर पूछिए, वरना तो सब लोग जान रहे हो किस लिए आए हैं और क्या बोलेंगे। उनके पास बोलने के लिए है क्या? तो सुना आपने तेजस्वी यादव को, जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि उनका मकसद है बिहार में ध्रुवीकरण की राजनीति करना, इसीलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने अन्य सारे मुद्दों पर जवाब नहीं दिया। जिस तरह से अमित शाह का आज बड़ा हमला हुआ है महागठबंधन सरकार पर, तो तेजस्वी यादव ने सिर्फ एक ही लाइन में कहा है कि वो किस मकसद से बिहार आए हैं ये सबको पता है। तो तेजस्वी यादव ने इशारों ही इशारों में ध्रुवीकरण का आरोप लगाया है अमित शाह पर। अमित शाह ने साफ तौर पर मंच से बड़ा हमला किया है लालू यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार पर और कहा है कि नीतीश कुमार लालू यादव के गोद में बैठ करके भाजपा को धोखा दिया है, खंजर घोपा है पीठ में। बड़ा आरोप लगाया अमित शाह। लेकिन तेजस्वी यादव ने पटना में आज पलटवार किया अमित शाह पर। तो अब देखना होगा बीजेपी के क्या तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, आपको हम बताएंगे। फिलहाल इस कोर में ताहीं बने हमारे साथ, धन्यवाद।